आज सात है, आठ है, सात है, देख लो आज आठ होना चाहिए, आठ है, आज आठ मई 2018 को हमारे एक गुप्ता जी हो गए, रोहित गुप्ता जी, और ये हमारे आशीषानंद हैं जो हमेशा ये फोन नहीं उठाते हैं, और इनके फोन ना उठाने की वजह से मामला गड़बड़ हो जाता है। अभी लाउड स्पीकर की जोर शोर से आवाज़ आ रही है, उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। अभी ये लोगों का रात में फ़ोन आया, कल हमने इनको लोगों को फ़ोन किया, अब भूल गए, हमने रोहित जी को फ़ोन नहीं किया, वरना तैयारी पूरी बन जाती। अब आज ये लोग मोटरसाइकिल से जाओगे ना आप लोग, ठीक, ये मोटरसाइकिल से रोहित गुप्ता जी हैं, इन्होंने एक बीड़ा उठाया है, इनसे सीखो दुनिया वालों कि हमको बंदर भोज की गाड़ी के लिए कभी फूटी कौड़ी लेना तो दूर है, बल्कि और कहिए आपको चाय पिला दें, ये हमेशा के लिए ये जाया करेंगे भौरे सुर। हाँ, जितना उठा सको ज्यादा ज्यादा ले जाओ, हाँ नहीं थोड़ा वो ले लो, आए हजारों बंदर है वहाँ तो। अभी ये लोग रवाना मैं कर रहा हूँ सामान जो हमारा बंदर भोज का है, और दो दिनों के बाद अमेरिकी वैज्ञानिक हमारे मेहता साहब आएंगे, फिर उनको लेके मैं जाऊँगा। कोई ज़रूरी नहीं कि हम हफ्ते में एक बार जाएं, दो बार भी जा सकते हैं, तीन बार भी जा सकते हैं। इसको बांधोगे? बांधने की सुतली यहाँ कहीं पड़ी होगी, देखो, हाँ इसे बांध दो। सुबह का टाइम है, ब्रह्म बेला है बिल्कुल, आप देख रहे हैं। अभी मैं थोड़ी देर में मैं लाइव पर बोलूँगा। ये बछिया की हालत है, कभी कभी गुप्ता जी इत्यादि बड़ा मंगल और भंवरे सोर और मंदिर जी अपनी जगह है, सेवा के ऊपर आप ध्यान दीजिए, आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। ये बछिया है, अस्पताल से मैं लेके आया हूँ, मरा सन थी बिल्कुल, एक से एक महंगी से महंगी दवाइयाँ हम उनको ला के दे रहे हैं। हो सकता है इसका पैर बचे कि काटना पड़े, हड्डी टूट गई थी, आप इसको देख रहे हैं बछिया को, तो आइए करीब से देख लीजिए। तो ये जरा चीज तुम दिखा दी उसको, ये बछिया है, इधर आवे इनका भी आगे सकता है। ये बछिया को आप देख रहे हैं, पैर इसका जो है यहाँ फ्रैक्चर है, वो हड्डी टूट गई थी बुरी तरह से, एक गुड़िया हड्डी की निकाली गई थी, जुड़ी नहीं, पता लगा बात बरेली ले जाओ कहाँ ले जाओ, ये इधर देखा हम लोग बोल रहे हैं, बात बरेली ले जाओ कहाँ ले जाओ, हमारी तो जान सूख गई, लेकिन सुना है कि शायद घाव भर जाए। तो मैं ये मांग करूंगा कि आप लोग भी ज्यादा ज्यादा हस्ताक्षर करवा के हमको दीजिए, ताकि हम मांग करेंगे, और जनता में मांग कीजिए कि एक आदमी जो इतना बड़ा काम कर रहा हो, जो पूरे नेताओं को साधुओं को चैलेंज कर रहा हो, उधर जनता का रुझान क्यों नहीं है, होना चाहिए ना, जबकि वोट नहीं लेना नोट नहीं लेना है। आज क्या हो रहा है हमारे समाज में, आज रायबरेली में इतना बड़ा अस्पताल बात बरेली में खुल सकता है, मथुरा में तो रायबरेली ये व्यापी के क्षेत्र है, ये सोनिया गांधी के क्षेत्र है, कोई आज तक इंदिरा जी के बाद कोई काम हुआ बताइए, कोई काम नहीं हुआ, सब लखनऊ भेज देते हैं, सब लखनऊ भेज देते हैं, सुना आपने, ये गांव से बदतर है, ये गांव से बदतर है, सुन लो रायबरेली के वो भारत के लोगों, ये रोहित गुप्ता है जो उन्होंने कहा बाबा जी बंदर भोज की गाड़ी, जब भी भाई मंगलवार को इनको फुर्सत मिलती है, इन्होंने कहा मंगल हर मंगलवार को आप जहाँ भी चलेंगे हम गाड़ी आपकी फ्री लेके चलेंगे, कोई पैसा आपसे नहीं देंगे, ये भी ऐसे भी लोग हैं। अब आशीषानंद को धीरे धीरे हम सिखा रहे हैं, मगर उनका स्वभाव है भगवान जाने कब उनका स्वभाव बदलेगा, अरे कम से कम यार देखा करो, चाहे आके हाल चाल ले लिया करो। कल गोविंद सिंह से कहा बेचारा चोकर खरीद के ले आ जा, पैसा मत लगाओ, पैसा हमारे हमसे ले जाओ। कल रात में ममता मिश्रा है कानपुर वाली, उन्होंने पैसे भेजे पेटीएम से, हमने मना भी किया, कहे नहीं नहीं बाबा जी हम लोगों का अंश आप लगाते रहिए। तो रायबरेली के लोगों नहीं, हिंदुस्तान के लोगों सुनो, और खास करके बस एक मिनट का और समय देंगे कि कर्नाटक के लोगों एक नाव पर बैठो, मुस्लिम समुदाय को हमने बहुत सारे हमने बधाइयां दिया है, क्यों सुना है कि मोदी जी को
मतलब उन लोगों ने बड़ा खैर मकदम किया है, स्वागत किया है। एक नाव पर बैठो, किसी पार्टी की बुराई मत करो ना, एक आदमी को मौका दो, क्यों ना। जी जी जी। रोहित गुप्ता ने अगर ये ऐलान किया है कि हम बंदर बोर्ड की गाड़ी बाबा फ्री लेके जाएंगे, अब बोलिए आप, कहीं अगर ये इमरजेंसी पड़ जाएगा तो हम दुकान के पहले जाएंगे वापस आएंगे, कितनी बड़ी बात है। कहेंगे लोग रोहित गुप्ता से वो सीख रहे हैं, इनसे पूछो, लाउड स्पीकर की आवाज आ रही होगी, पूरा मोहल्ला रात भर हिला है, दिन भर हिलेगा, और उसके बाद भंडारा होगा और सब फिलुए खाएंगे, कोई साधु नहीं, कोई बच्चा नहीं, और साधु बच्चा भी चूल्हे भाल में जाए, सबसे बड़े बंदर को खेदाओ। अरे ये लोग बेचारे मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, भावने से 50 किलो जाना किलोमीटर और 50 किलोमीटर वापस, इनसे सीखो। श्याम साधु पूरे वर्ल्ड को चैलेंज कर रहा है, कहां नेता लोग सो रहे हैं, है? कोई हम मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं या वोट मांग रहे हैं? तो मैं वाणी को विराम देता हूँ, लोगों को विलम्ब न होने पाए, यही रोहित गुप्ता जी जरा इनके चेहरे को दिखाइए, पहचान लो दुनिया वालों, ये भी रोहित गुप्ता है। और एक गुप्ता जी हमारे हैं जो उसमें भी वो कमीशन खा लेते हैं, विजय गद्दा वाले, बड़ा अफसोस हुआ, वो रिक्शे वाले ने कहा हमसे, कहें बाबा ये 43 में खरीदा गया है जहाँ से चना आया है, और गुप्ता जी लगा रहे हैं 46 का रेट, ये लाइब्रेरी है हमारा, क्यों? जो आदमी अंदर से धर्मात्मा नहीं है हमेशा उसे दूर रह गया, इनको पहचान लीजिए, फिर इधर दिखाइए, यही रोहित गुप्ता जी है, कर्म से महात्मा है। इस आदमी ने ऐलान किया कि नहीं बाबा जी, बंदर भूत की गाड़ी मैं हमेशा फ्री लेके जाऊंगा, चाहे इलाहाबाद चलो, चाहे बनारस चलो, चाहे अयोध्या चलो, ये बहुत बड़ी बात है ना गुप्ता जी। अब हमने दुनिया के आगे अब आपको दिखा दिया है, कभी धोखा नहीं दी। नहीं नहीं, बहुत अच्छे खानदान के है, हमने हंसी मजाक में कहा है, तो मैं वाणी को विराम देता हूँ, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बंद किया कि चालू? हो गया, बंद हो गया, ठीक।